एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालाजी सर। मैं अपने चैनल डियर बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। चलिए, हम क्लास के शुरू होते हुए दो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्लास 10th वाले हैं, एक क्लास 12th वाले हैं। दोनों लोग के पेपर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों लोग के पेपर में, दोनों में आर्टिकल आएगा, दोनों में सेम तरीके से आएगा, दोनों को सेम तरीके से लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों को 100 से 120 वर्ड में इसमें भी लिखना है। तो प्लीज इस वीडियोज को ध्यान से देखें, 10th वाले और 12th वाले दोनों लोग नोट्स को जरूर तैयार कर लें, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर अभी भी चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोग इकट्ठा करें। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट का अर्थ मैं बताऊंगा, जिससे अगर इस वीडियोज को आप दो बार चला करके देख लेंगे और एक बार अपने मन से लिख लेंगे, सोच सोच करके आपकी तैयार हो जाएगी। तो 6 नंबर सबको खलेगा। 6 नंबर मतलब 1%, इंटरमीडिएट का 1% और हाई स्कूल का 1% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। इंटरमीडिएट का 1% से ज़्यादा होगा, हाई स्कूल का 1% होगा, क्योंकि हाई स्कूल के 1% में 6 नंबर होता है, उनके 1% में 5 नंबर होता है। तो इसलिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों लोग इस पॉइंट को झकास अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे, ठीक है, पूरे पॉइंट्स को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से इसके अर्थ को, एक्सप्लेन को ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसके बारे में बातचीत करना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा है, कंप्यूटर्स हैव, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर्स हैव बिकम ए रेस, ठीक है, विथ चिल्ड्रेन एंड प्ले ए मेजर रोल इन टूडेज, इन टूडे एज, ठीक है ना। ए मेजर रोल मतलब एक अच्छी भूमिका निभाता है टूडेज एज, आज के युग में। एज मतलब आयु नहीं, टूडेज एज मतलब होता है आज का युग, टूडेज एज मतलब होता है आज का युग। ध्यान समझिए, कई पॉइंट्स में अच्छे अच्छे बताऊंगा और वीडियोज को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, पूरा मजा आएगा। अधूरा ज्ञान बेकार होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां एक ही शब्द निकलेगा, काश मैंने देख लिया होता, ठीक है। तो प्लीज काश ना रह जाए, इसलिए पूरी वीडियोज को बात करिए, स्टार्ट से लेकर इन तक पूरा समझ में आएगा। हाउ एवर मतलब जब कभी, वन मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन एज ए मेजर डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे मैंने आर्टिकल क्लियर करवा दिया है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, किस पे लिखना है, द रोल ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है द रोल ऑफ कंप्यूटर्स। विथ आल्सो पॉइंटिंग आउट द हैजार्ड्स देयर एक्सेसिव कैन यूज, यू कैन आदित्य आर, ठीक है ना, अदिति, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक चीज़ जब आप पेपर में रहेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कंप्यूटर्स ए बून और ए बेन, इन्होंने ऐसा लिख दिया है। अगर सपोज करिए आपको ये नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे, आप ये वाला पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, आप यही हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे इसके स्थान पे, द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, बस एकदम बढ़िया हो जाएगा, आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो रटा रटाया नहीं लिखना है आपको, काफ़ी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसी पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है, जिससे आपका 6 नंबर बन जाए और आपका रिजल्ट 1% बढ़ जाए, ठीक है ना। 1% बढ़ जाएगा, अगर 89 हुआ होगा तो 90 हो जाएगा, अगर 59 हुआ होगा तो 60 हो जाएगा, और अगर 90 हुआ है तो 9100 हो जाएगा। तो प्लीज, तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे भाई दीपका लिखा है, दीपका के द्वारा लिखा गया है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे हेडिंग में लिखा कंप्यूटर्स ए बून आर पेन। अच्छा, ए बून मतलब होता है एक वरदान और आर मतलब होता है या, ए बेन मतलब होता है अभिशाप। ये कंप्यूटर एक वरदान है या अभिशाप है, ठीक है ना, तो इसी के ऊपर पूरा बताना है। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो प्लीज वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और लोग को इकट्ठा करिए, और लोग को इकट्ठा करिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की। अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सम पीपुल से दैट द कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड, इतना लिखा गया, बहुत बढ़िया। सम पीपुल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इन्वेंशन मतलब आविष्कार है, ऑफ ह्यूमन काइंड, किसके, मानव के लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर मानव के लिए एक सबसे बड़ा क्या है, आविष्कार है। सम पीपुल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, पहली लाइन सबको समझ आ गई, ठीक है, पहली लाइन सब लोग को समझ आएगी, याद कर लीजिए, आँख बंद करके तुरंत याद कर लीजिए। सम पीपुल से दैट द कंप्यूटर
इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड। फटाफट मेरे साथ एक दो से तीन बार मेरे साथ तैयार करिए, पूरा तैयार हो जाएगा, छह नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं तैयार कर रहे हैं, उनकी स्पेलिंग, उनकी पकड़, उनकी बहुत कुछ मजबूत हो रही है, इसी के बेस पे वो बहुत कुछ लिख ले जाएंगे। इसलिए वीडियोज स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाउ एवर मतलब होता है जब कभी अदर पीपुल दूसरे लोग थिंक दैट सोचते हैं कि कंप्यूटर्स मेक दियर लाइफ मोर स्ट्रेसफुल, ठीक ना। जबकि अदर पीपुल थिंक दूसरे लोग सोचते हैं दैट कि कंप्यूटर मेक दियर लाइफ मोर स्ट्रेसफुल, कि कंप्यूटर ने मेक देयर लाइफ उनके जीवन को मोर स्ट्रेसफुल, बहुत अधिक तनावपूर्ण बना दिया। कैसा बना दिया है? बहुत अधिक तनावपूर्ण बना दिया है, ठीक है। दो लाइन क्लियर है, दोनों लाइन। देयर इज नो डेनाइंग यहाँ लिखा गया, देयर इज नो डेनाइंग, कोई भी मना नहीं करेगा, देयर इज नो डेनाइंग, कोई भी मना नहीं करेगा दैट कि कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बहुत अच्छी लाइन है, तुरंत याद कर लीजिए। देयर इज नो डेनाइंग, कोई भी मना नहीं करेगा दैट कि कंप्यूटर्स हैव बिकम, कंप्यूटर बन चुका है या बन गया है ए इंटीग्रल मतलब होता अभिन्न, ठीक है। पार्ट मतलब होता हिस्सा ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का। तो कंप्यूटर मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। पार्ट मतलब होता हिस्सा, अंग, भाग, ठीक है। इंटीग्रल मतलब होता अभिन्न, ठीक है। तो यह कंप्यूटर मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ऑलमोस्ट जब कभी, एवरी प्रोफेशन इज बेनिफिट्स, ऑलमोस्ट जब कभी, एवरी प्रोफेशन इज बेनिफिट्स फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक ना। ऑलमोस्ट मतलब जान लीजिए लगभग, एवरी मतलब प्रत्येक प्रोफेशन, प्रत्येक व्यवसाय इज बेनिफिट्स, लाभदायक है फ्रॉम कंप्यूटर, किससे? कंप्यूटर से। प्रत्येक व्यवसाय कंप्यूटर से क्या है? लाभदायक है। कंप्यूटर से क्या है? लाभदायक है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैव बीन रीपेइंग बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर्स। क्या दिया है? चिल्ड्रेन हैव बीन रीपेइंग बेनिफिट्स मतलब उन्हें ढेर सारा समय बिताने का समय मिलता है फ्रॉम द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लगातार उपयोग से। रीपेइंग बेनिफिट्स, रीपेइंग मतलब होता समय काटना, समय व्यतीत करना, बेनिफिट्स। तो बच्चों का जो समय है वो कंप्यूटर को लगातार चलाने से क्या हो जाता है? कटता चला जाता है, यही बताया यहाँ पे। रीपेइंग बेनिफिट्स, ये प्रॉफिट होता है। इट हेल्प्स देम, इट मीन्स या हेल्प्स मदद करता है, देम उनकी, इन दियर होमवर्क उनके होमवर्क में मदद करता है, प्रोजेक्ट्स मतलब कोई कार्य में मदद करता है, असाइनमेंट्स मतलब असाइनमेंट्स में काम करता है, ETC आदि। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इट मीन्स यह नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यह मुझे सूचना ही नहीं देती है। प्रोवाइड मतलब होता प्रदान करना, देना। इट नॉट ओनली, इट मीन्स यह नॉट मतलब नहीं, ओनली मतलब केवल, प्रोवाइड्स मतलब देती है इंफॉर्मेशन, या केवल हमें सूचना नहीं देती ऑन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, किसी एक अलग सब्जेक्ट पर, बट ऑल्सो लिंक्स कॉर्नर्स, बट मीन्स लेकिन, ऑल्सो लिंक्स जोड़ती है, कॉर्नर्स मतलब कोने कोने से ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने कोने से क्या करती है, ये जोड़ती है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। एक से दो बार अर्थ देखिएगा, एक ही पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी बात यह है, एक्सेसिव मतलब होता अत्यधिक, यूज मतलब होता उपयोग ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग, हैज इट्स ऑन सेट ऑफ डिसएडवांटेज मतलब होता है लाभ नहीं मिलता, मतलब हानि, डिसएडवांटेज माने हानि होता है, ठीक ना। तो कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग हमारे लिए क्या है? ए सेट ऑफ डिसएडवांटेज मतलब हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। टू मच यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अत्यधिक यूज कैन कॉज डिटेरिएशन ऑफ विजन, टू मच यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग कैन कॉज डिटेरिएशन मतलब होता है एक तरीके से जान लो खराब होना ऑफ विजन, मतलब हमारी दृष्टि या हमारी नज़र क्या हो जाती है? खराब। डिटेरिएशन मतलब होता है खराब होना, ठीक है ना। कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से हमारी आँखें क्या हो जाती हैं? विजन मतलब मेरा दृश्य या दृष्टि या नज़र या दृष्टि मेरी क्या हो जाती है? डिटेरिएशन, खराब हो जाती है। स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कंप्यूटर, स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करने में, खर्च करने में, मोर टाइम बहुत अधिक समय ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पर बहुत अधिक समय बर्बाद करने से हार्म्स फिजिकल हेल्थ, ठीक ना। फिजिकल मतलब होता शारीरिक हेल्थ मतलब होता स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है। विच माइट रिजल्ट, जिसकी वजह से या जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट माने परिणाम स्वरूप, इन बीइंग ओवरवेट, हम क्या हो जाते हैं? बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं, एंड इन प्रॉब्लम्स ऑफ स्पाइन। तो ये स्पाइन जो होता है वो होता है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स इन ऑफ द स्पाइन,
और हमारे जो है मेरुदंड मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, समस्या आ जाती है, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग चिल्ड्रेन, ठीक ना। द मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या तो यह है, विच इज अफेक्टिव चिल्ड्रेन, जो कि अफेक्टिव मतलब तो प्रभावित करना, चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, जो कि बच्चों को क्या करती है, प्रभावित करती है। नाउ डेज, इन दिनों, इज दियर एडिक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, उन्हें कंप्यूटर की क्या लग, एडिक्शन मतलब होता है लत लगना, उन्हें कंप्यूटर की क्या लग जा रही है, लत लग जा रही है। द रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप, इज दियर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज, जिससे उनका पढ़ाई से ध्यान भटक चुका है। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता भटक जाना, ठीक है, बहला जाना, पागल हो जाना, फ्रॉम स्टडीज, उनका ध्यान पढ़ाई से क्या हो चुका है, भटक गया है, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है, कमेंट करें फटाफट सभी लोग क्लियर है ना, सभी लोग क्लियर करें, ठीक है। एक से दो बार जो ना क्लियर हो कमेंट्स कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इफ द टाइम स्पेंट ऑन कंप्यूटर इज रेगुलेटेड, सबसे अच्छी लाइन लिखी गई, इफ मतलब यदि, द टाइम मतलब समय, स्पेंट खर्च किया जाए ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, इज रेगुलेटेड, नियमित रूप से, मतलब बस जितना काम है बस उतना ही नियमित रूप से, देन तब इट कैन श्योरली, इट मीन्स यह कैन हो सकता है, श्योरली निश्चित ही, बी यूज्ड, उपयोग उपयोगफुल, हाँ उपयोग हो सकता है, मेक आवर वर्क इजियर, तो यह हमारे काम के लिए बहुत क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। दस इस प्रकार, इफ यदि यूज्ड इन द राइट वे कंप्यूटर, यदि यूज्ड मतलब उपयोग किया जाए, द राइट वे कंप्यूटर, कंप्यूटर को सही तरीके से यूज किया जाए, तो विल ओनली चेंज लाइफ फॉर द बेटर, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से क्या जाएगा, बदल जाएगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अभी इसी वक्त मेरे बाद, ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे, जो 11th वाले हैं, जो 12th वाले हैं, जो 10th वाले हैं, सब लोग पूरे पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग अपना जो है कॉपी पहले एक बार हमारे साथ देख चुके हैं, अब एक एक बार भगा भगा करके अपना वो लिख लेंगे, इसके बाद एक एक स्पेलिंग का माने लिख लेंगे, आराम से आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो वीडियो जो आपको कैसा लगा, मज़ा आया, मैंने इस पॉइंट को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें 10 12 जो 11 से 12 गए हैं, जो 12 पेपर देने, सबका प्रॉफिट है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को चुना है। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मैंने एक एक पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, पूरे समझदारी के साथ आपके पास सरल शब्दों में पेश किया है। तो प्लीज़ अगर चैनल पे अभी भी नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।